इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। निगम चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, तो शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। निगम चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया गया है। वहीं बीजेपी ने 21 वादों के साथ जारी किया है ये दृष्टि पत्र, तो इस घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र नाम दिया गया है। वहीं सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है और इस दृष्टि पत्र को जारी किया गया है। तो शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट, निगम चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और बीजेपी ने 21 वादों के साथ इस दृष्टि पत्र को जारी किया है। तो दृष्टि पत्र में सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान। वहीं निगम चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। निगम चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, जिसे दृष्टि पत्र नाम दिया गया है और सभी वर्गों को इस दृष्टि पत्र में ध्यान में रखा गया है। निगम में अलग अलग समय में कॉरपोरेशन के चुनाव होते रहे। चुनाव के पश्चात यहां पर कॉरपोरेशन का मेयर और काउंसलर बनते रहे और स्वाभाविक रूप से मैं ये मानता हूं कि एक लंबा दौर शिमला में कॉरपोरेशन में जिनकी सत्ता रही वो कांग्रेस पार्टी रही, उसकी सत्ता लगभग 25 वर्ष रही और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5 वर्ष शिमला में कॉरपोरेशन में मेयर डेप्टी मेयर के नाते मिले और सीपीएम को भी 5 वर्ष जब डायरेक्ट चुनाव हुआ था मेयर डेप्टी मेयर का तो वो एक दौर उनका भी रहा। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि लंबे समय तक कॉरपोरेशन में कांग्रेस का वर्चस्व रहा और मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, किसी क्षेत्र के विकास के लिए किस क्षेत्र की पहचान उसकी सुविधा और विकास की दृष्टि से बनाने के लिए 25 वर्ष का कार्यकाल बहुत ज्यादा होता है और वो 25 वर्ष का कार्यकाल शिमला में कॉरपोरेशन के नाते जब उनकी सत्ता रही यहां जो किया जा सकता था वो नहीं कर पाए। हम शिमला तो शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां निगम चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। इस घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र नाम दिया गया है और 21 वादों के साथ इस दृष्टि पत्र को जारी किया गया है और इस दृष्टि पत्र में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। निगम चुनाव प्रभारी श्रीकांत भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। वहीं ये मैनिफेस्टो जारी किया गया, तो निगम चुनाव से पहले 21 वादों के साथ दृष्टि पत्र को जारी कर दिया गया है और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। तो निगम चुनाव प्रभारी श्रीकांत भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे थे, बड़ी खबर आपको बता रहे थे। बीजेपी का घोषणा पत्र आज जारी हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया और मैनिफेस्टो में कहा गया है कि सभी वर्गों को इसमें ध्यान में रखा गया है। तो शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह मैनिफेस्टो है और 21 वादों के साथ जारी किया गया है यह दृष्टि पत्र, तो सभी वर्गों का इस दृष्टि पत्र में ध्यान में रखा गया है। तो शिमला नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे दृष्टि पत्र नाम दिया गया है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने इस मौके पर साझा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शिमला में नगर निगम में अलग अलग समय में कॉरपोरेशन के चुनाव होते रहे। चुनाव के पश्चात यहां पर कॉरपोरेशन का मेयर और काउंसलर बनते रहे और स्वाभाविक रूप से मैं ये मानता हूं कि
एक लंबा दौर शिमला में कॉरपोरेशन में जिनकी सत्ता रही वो कांग्रेस पार्टी रही, उसकी सत्ता लगभग 25 वर्ष रही और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5 वर्ष शिमला में कॉरपोरेशन में मेयर डेप्टी मेयर के नाते मिले और सीपीएम को भी 5 वर्ष जब डायरेक्ट चुनाव हुआ था मेयर डेप्टी मेयर का तो वो एक दौर उनका भी रहा। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि लंबे समय तक कॉरपोरेशन में कांग्रेस का वर्चस्व रहा और मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं